वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर लाके सदात राम सदर मजलिस और मोहतरम हाजरीन, आज के रौनक बज़्म में जिस उनवान के तहत मैं बोलना चाहता हूँ वो है नमाज की अहमियत। आप हज़रात जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पाँच नंबर कायम है। नंबर एक, कलमे शहादत का इकरार करना। नंबर दो, नमाज कायम करना। नंबर तीन, ज़कात देना। नंबर चार, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर पाँच, अगर वसत हो तो हज करना। इस्लाम के इन पाँच अरकान में से एक नहायत अहम रुकन नमाज है, जिनको कायम करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार हुक्म दिया है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। इसी तरह नमाज की अहमियत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत के बारे में बहुत सी हदीसें आई हुई हैं। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल आमाली अफ़ज़लू, कौन सा अमल सबसे फ़ज़ीलत वाला है? क़ाला अस्सलातुल वक़्तिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना। इसी तरह हदीस में नमाज को गुनाहों का कफ़ारा भी कहा गया है, नमाज को दीन का सुतून भी कहा गया है, नमाज को आंखों की ठंडक भी कहा गया है, जिसके बगैर दिन का कायम रहना भी मुश्किल है। 10 साल की उम्र के बाद नमाज छोड़ने वालों को मारने का भी हुक्म दिया गया है और बताया गया है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। आइए नमाज की अहमियत के बारे में एक वाक्य सुने। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक कबीला के दो शख्स एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक जहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद हुए और दूसरे एक साल बाद इंतकाल कर गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में देखा कि वो शख्स जिसका इंतकाल एक साल बाद हुआ था, वो शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद होने का मर्तबा बहुत बुलंद है और ये शख्स उस शहीद से पहले कैसे जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो फरमाते कि जिस शख्स का इंतकाल बाद हुआ, क्या तुमने उसकी नेकियां नहीं देखते? उसने एक साल रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, साल भर की फर्ज नमाजों में से 6000 रकअत ज़्यादा नहीं पढ़ी। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है। नमाज की फर्जियत ज़मीन पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नहीं, बल्कि सातवें आसमान में इसरा व मेराज की रात को अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। नमाज पहले 50 वक्त की गांधी, फिर अल्लाह ताला अपने बंदों पर शफकत करते हुए 5 वक्त में बदल दिया। बस नमाज मैदान में 50 वक्त की है और अमली ज़िंदगी में 5 वक्त की। मेरे दीन भाइयों, आज जब मुस्लिम माशरा पर निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि बाज़ वक्त कलमे शहादत का इकरार कर लेने के बावजूद ना नमाज की पाबंदी करते और ना कोई अहमियत देते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की कि हम भी नमाजियों को नमाज की अहमियत बताकर उसको समझा कर उसकी पाबंदी कराएं, क्योंकि हदीस के अंदर दिया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ के हम सबको नमाज की अहमियत समझने और दूसरों को समझाने की तौफीक दें। आमीन। वाखरु दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।